हाय गाइस, मेरा नाम है सोहिल और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम बात करेंगे प्रेसेस स्विच के बारे में। वॉशिंग मशीन का जो प्रेसेस स्विच रहता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो जो प्रेसेस स्विच होता है वो तो पहले आप देख लें कि ये प्रेसेस स्विच है, इसको प्रेसेस स्विच बोलते हैं। और ये उसका पाइप है, ये पाइप ड्रम के अंदर लगता है और ये पाइप यहाँ पर लगता है और यहाँ पर उसका सॉकेट रहता है। तो ये प्रेसेस स्विच अगर ख़राब हो गया है तो उसको चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे? अगर वो बिगड़ गया तो भी वो मतलब क्या कैसे बिगड़ गया है, क्या प्रॉब्लम क्यों कैसे बिगड़ गया है, उसके ऊपर बात करेंगे आप। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हेलो गाइस, देखो मैंने यहाँ पे पूरा सेटअप रेडी करके ही रखा है। ये पूरा एक्सटेंशन बोर्ड लगा दिया है। ओके, ये थोड़ा फोकस को ठीक कर देता हूँ मैं। ओके कंप्लीट। ओके तो अभी हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। ओके पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये हमारा प्रेसर स्विच है, इसको अगर हम चेक करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें कोई प्रॉब्लम है और चेक करना, ये खराब हो गया या चालू है, इसको अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, इसके ऊपर आज बात करेंगे हम। ओके तो यहाँ से मैंने मशीन स्टार्ट किया, ये मशीन स्टार्ट हो गया। ओके और यहाँ से मैंने अभी बाद में करते हो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक पाइप है, एक पाइप यहाँ पे लगेगी और दूसरी पाइप यहाँ नीचे आएगी, यहाँ पे ये पाइप। देखो मैं आपको थोड़ी अच्छी तरीके से बताता हूँ, ये जो पाइप है यहाँ पे आएगी। ओके और ये पाइप सीधा यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे ड्रम के पीछे वाले भाग में। ओके फोकस में आ गया, ये पूरा ड्रम के पीछे वाले भाग में अच्छी तरह से लगा दो ताकि यहाँ से हवा निकले ना। ओके ये कंप्लीट हो गया हमारा। ओके और मशीन हमने स्टार्ट कर दिया है और यहाँ से अभी हम डालेंगे वाटर लेवल में। वाटर लेवल मैंने सिलेक्ट कर लिया है, वाटर लेवल मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ओके अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। अब स्टार्ट करके जैसे ही स्टार्ट करूँगा अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से पानी लेना स्टार्ट होगा, यहाँ से पानी लेना स्टार्ट हो गया है अभी। और अभी बिना पानी भरे ही हमें चेक करना हो तो कैसे चेक करें, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ से पाइप, ये पाइप निकाल दो और इसके अंदर फूंक मारो, यहाँ हवा भरो, मतलब मुँह से फूंक मारोगे ना तो ये प्रेशर स्विच ऑन हो जाएगा। देखिए आप मैं बताता हूँ, अभी स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर आवाज आएगी। देख सकते हैं आप अभी स्टार्ट हो गया था, अभी मैंने छोड़ दिया है, अभी छोड़ दिया है, मतलब ये प्रेशर स्विच जो है मेरा वो सही तरह से काम कर रहा है। अगर प्रेशर स्विच के अंदर प्रॉब्लम होता तो ये काम ही नहीं करता सही तरह से। जैसे ही मैंने फूंक मारी मतलब मेरा जो प्रेशर स्विच है वो, मेरा वाला जो प्रेशर स्विच है वो अभी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, अपना जो काम होता है वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है। अगर आपके प्रेशर स्विच में देखो कोई प्रॉब्लम होगा, अगर आप फूंक मारोगे फिर भी स्टार्ट नहीं होगा तो इसको या चेंज करना पड़ेगा, या चेंज भी नहीं करना है तो क्या होगा, बहुत टाइम बाद क्या ये जंग, इसमें क्या होता है, ये सॉकेट होता है ना वहां पे थोड़ा जंग वगैरह लग जाता है। तो इसको निकाल के देखो, पहले तो आप निकालने से पहले ये मेरा पिन यहां से निकाल देता हूं और इसको निकाल के यहां से निकाल दो, यहां से निकाल दो, यहां से निकाल के ये जो पार्ट होता है ना उसको थोड़ा घिसको, घिसो मतलब किसी भी अच्छी वाली धारदार चीज से घिसो यहाँ पे, या फिर उसका जो पेपर आता है उससे घिसोगे ना तो क्या हो जाएगा, मतलब वो यहाँ पे थोड़ा शार वार लग गया होगा तो इस वजह से भी थोड़ा बहुत काम नहीं करता है, तो ये भी हो जाएगा। कभी कभी बार ऐसा भी होता है, कई बार इस वजह से भी स्टार्ट नहीं होता है, बाकी इसके अंदर कुछ होता नहीं है। बाकी इसको अगर फिर भी स्टार्ट ना हो तो फिर आपका प्रेशर स्विच खराब हो गया, उसको चेंज कर दो, चेंज करने के बाद प्रॉपर तरीके से काम हो जाएगा। बाकी की नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ। और हाँ, वीडियो कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस बाय।